अपना अपना नाम पहले बता दो। आपका नाम, शायद हमने क्लास आपका लिया है क्या बेटा? यस मैम। अभी जो हाँ, क्या नाम है? निशा खानम। कौन लोग ऐड हुए हैं? सारे लोग वीडियो, सारे के वीडियोस नहीं आ रहे हैं। और लोग और कौन है? मुक्ता खान, मुक्ता खान भी कोई ऐड हुई है ना? मैम मेरा ही आईडी है, ईमेल आईडी है। अच्छा, तो मतलब अभी एक ही ऐड हुए है ना? यस मैम। मैं राहत गजाला। राहत गजाला, ठीक है। आप अपना वीडियो ऑन करो बेटा, वीडियो ऑन करो। ओके मैम, वीडियो ऑन करो। रुक जाते हैं, सब लोग को ऐड होने देते हैं, ठीक है ना? फिर हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे, हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे और फिर आप लोग लर्निंग क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट मेरा जो नाम है वो डॉक्टर सुचि सिन्हा है और मैं आपको एडुकेशन साइकोलॉजी पढ़ाऊंगी। एडुकेशन साइकोलॉजी में जो मेरा चैप्टर्स है वो है आपका लर्निंग, एग्जामिनेशन, एडुकेशन ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन और गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, मेरा चैप्टर क्या क्या है? लर्निंग है, फिर एग्जामिनेशन है, एडुकेशन ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, हम आपको फोटो सिलेबस का डाल देंगे आपके ये में ग्रुप में। ठीक है, यस मैम। आज सबसे पहले मैं आपको आज, हाँ हेलो मैडम, आवाज सुन रहे हो बेटा आप? यस मैम, आवाज जा रही है? यस मैम, हाँ यस मैम, गुड मॉर्निंग सबको। हाँ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, यस मैम। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। आज आज फर्स्ट हम क्या, आवाज सुन रहे हो आप मेरी? यस मैम, यस मैम। आज हम, चलो बहुत अच्छा लगा आप लोग ऐड हुए। सबसे पहले हम आपको आज लर्निंग के बारे में बताएंगे कि लर्निंग क्या है, व्हाट इज लर्निंग। हाँ, सीखने का सबसे पहला जो सबसे बेस्ट परिभाषा है वो है सीखना व्यवहार के उस परिवर्तन को कहते हैं। सबसे पहले सीखने के लिए क्या है? सीखने का जो शर्त है वो है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। ठीक है, तो सीखना व्यवहार के उस परिवर्तन को कहते हैं जो अभ्यास के माध्यम से आता हो, है ना, और अपेक्षाकृत अस्थाई हो और जो आपको क्या बोलते हैं समायोजन करने में मदद करता हो एनवायरमेंट के, वातावरण के साथ। ठीक है ना, किसके साथ समायोजन करने में? वातावरण के साथ समायोजन करने में मदद करता। हाँ सब लोग की आवाज क्लियर जा रही है ना मेरी? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो सीखना किसको कहते हैं? सबसे पहले सीखना का अर्थ होता है, परिभाषा जो है एक उपयुक्त परिभाषा है वो है कि सीखना व्यवहार के उस परिवर्तन को कहते हैं जो अभ्यास के माध्यम से या अनुभव के माध्यम से आता हो, जो अपेक्षाकृत स्थायी हो और जो आपको वातावरण में समायोजन करने में मदद करता हो। क्लियर? अब पहला yes, क्या nice. बोले आपको? अब पहला आपको क्या बोले कि व्यवहार में परिवर्तन पर, yes, ध्यान रखो yes. कि व्यवहार में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा उसको हम सीखना नहीं कहेंगे। सीखना हम उसी को कहेंगे जब आपके व्यवहार में परिवर्तन आता हो। जैसे सपोज करिए कि जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आप गिर जाते थे, साइकिल चलाते थे तो क्या करते थे? कभी इधर गिरते थे, कभी इधर गिरते थे। लेकिन जब आप अभ्यास लगातार करते गए तो क्या हुआ? आप अच्छे ढंग से साइकिल चलाना सीख लिए ना। तो ये कैसे सीखे? अभ्यास के माध्यम से हुआ। अब दूसरा कह रहा है कि अभ्यास के माध्यम से या अनुभव के माध्यम से भी आएगा परिवर्तन तो उसको सीखना कहेंगे। अब अनुभव कैसे है? मान लीजिए कि आप एक जलता हुआ लालटेन को छूते हैं, तो जलता हुआ लालटेन को जब आप छूती हैं तो क्या होता है? हाथ जल जाता है ना? तो आपको अनुभव हो गया कि जलता हुआ अगर लालटेन जब भी छुएंगे तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो ये अनुभव हो गया। इस तरह का सीखना में आपको अभ्यास का जरूरत नहीं है। अभ्यास का है जरूरत, बार बार लालटेन थोड़ी छूएगा सीखने के लिए। एक बार अनुभव हुआ तो आप सीख लिए, है ना। लेकिन टाइपराइटर है, साइकिल चलाना है, गाड़ी चलाना है, इसके लिए क्या है?
आप अभ्यास करेंगे तभी ना सीखेंगे। yes, ma'am. तो जब yes, ma'am. आप अभ्यास किए या जब आप में अनुभव हुआ तो आप में क्या हुआ, आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ हुआ कि नहीं हुआ? पहले आप साइकिल जब चलाते थे तो क्या होता था, दाएं बाएं गिरते रहते थे, अब प्रॉपरली आप साइकिल चलाने लगे तो व्यवहार में परिवर्तन आया। ये परिवर्तन कैसे आया बताइए, ये परिवर्तन कैसे आया बेटा बताओ, महवेश बताओ बेटा, पहले सीखते हैं हम लोग मैम, पहले हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं फिर। यस मैम, ये परिवर्तन सीखने की कोशिश करते हैं फिर अभ्यास से आया है ना, साइकिल रोज रोज चलाते थे तो सीखना चलाना सीख लिए, तो ये परिवर्तन कैसे आया बेटा? यस मैम, अभ्यास से आया, अभ्यास से। यस मैम, तो ये इसी को हम सीखना कहेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इसलिए बोल रहा है कि जो अभ्यास और अनुभव के आधार पे हो, बहुत ऐसा परिवर्तन जो होता है वो अभ्यास के द्वारा नहीं होता है, और व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है लेकिन उसको हम सीखना नहीं कहेंगे। अब क्या, अब किसको हम सीखना नहीं कहेंगे और व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है? अब सोचो, अब देखो, सपोज करो कि कोई शराब पी लिया है ना, या कोई ऐसा दवा का असर हो जाता है जिसके चलते उसका चाल में बदलाव आ जाता है, उसके बोलने का ढंग में बदलाव हो जाता है, तो हम उस परिवर्तन को सीखना नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे बताओ, क्यों नहीं कहेंगे उस परिवर्तन को मैम, उस परिवर्तन को हम सीखना क्यों नहीं कहेंगे बेटा बताओ? अगर कोई ड्रग्स लिया हम या कोई शराब पी लिया तो उसके बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, तो उस परिवर्तन को हम सीखना नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो अचानक आ गया ना शराब। एग्जैक्टली, उसके लिए हम अभ्यास नहीं किए थे। यस मैम, वो अचानक से आया। यस मैम, वो अचानक आया, वो बिना अभ्यास का आया, वो तो ड्रग्स के चलते आया है ना। यस मैम, व्यवहार में परिवर्तन को बेटा सीखना नहीं कहेंगे, ठीक है ना? व्यवहार में तो परिवर्तन आया लेकिन उस परिवर्तन को हम सीखना नहीं कहेंगे। हाँ, क्लियर हुआ? इतना बात समझ में आ गई सबको कि कहीं